अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? होपफुली यू आर फाइन। वेलकम टू आर इंग्लिश क्लास, क्लास 1, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेक्चर नंबर 1, यूनिट नंबर 3। और हमारे टॉपिक का नेम है एट द फार्म। एट द फार्म यानी फार्म पर। इसमें हम डिस्कस करेंगे फार्म को, फार्म क्या होता है। और यहाँ पे जब फार्म है उसको मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ। फार्म वो जगह होती है जो जहाँ पे हम खेती बाड़ी करते हैं। एक फार्म जैसे हम आम अल्फाज में कहते हैं, अपनी आम लैंग्वेज के डेरा इसे कह लेते हैं। तो वहाँ पे हमने बिल्डिंग बनाई होती है एक, और हमारे खेत होते हैं, ट्यूबवेल वगैरह लगे होते हैं। इसके अलावा जो कुछ बड़े फार्म भी होते हैं लोग बनाते हैं, तो वहाँ पे वो जानवर रखते हैं, पालतू जानवर जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जैसे गायें, भैंस, बकरियाँ वगैरह। इसके अलावा वो कैट, डॉग्स, हैन, डाके, ये सारी चीज़ें रखी होती हैं जो डोमेस्टिक होती हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो। तो जैसे आपको पता है कि हमारा जो, जब भी हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करें इंग्लिश का, तो हमारा पहला जो काम होता है हम करते हैं वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग्स करते हैं। तो चलिए हम अपने वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास बार्न। बार्न कहते हैं वो बिल्डिंग जो बनाई होती है, यानी एक घर जो बनाया होता है खेतों में, उसे कहते हैं बार्न। और इसका इंग्लिश मीनिंग है शेड, बार्न, शेड। उसके बाद वर्ड है हमारे पास फार्मर। फार्मर का इंग्लिश मीनिंग है ग्रोवर और आर्चर्ड। दो मीनिंग यहाँ पे मैंने लिखे हैं। फार्मर कहते हैं किसान को, ग्रोवर फसलें लगाने वाला शख्स, और चर्ड भी फसलें लगाने वाला, खेती बाड़ी करने वाला शख्स होता है। तो फार्मर वो इंसान जो खेतों की देखभाल करता है, फसलें वगैरह लगाता है उनमें, ठीक है, उसे कहते हैं फार्मर। उसके बाद वर्ड है हमारे पास फील्ड। फील्ड होता है, फील्ड का इंग्लिश मीनिंग है पीस ऑफ लैंड, और उर्दू मीनिंग है फील्ड का खेत। और इंग्लिश मीनिंग है पीस ऑफ लैंड, यानी ज़मीन का वो हिस्सा जिसमें हम फसलें लगाते हैं, गंदम, चावल, और इसके अलावा जो गन्ने वगैरह होते हैं, सब्जियां हमारी होती हैं, ये सारी चीज़ें जो भी हम खेतों में लगाते हैं। तो जिस जगह में हम ये लगाते हैं उसे हम खेत कहते हैं, इंग्लिश में फील्ड कहते हैं। और इसका फील्ड का इंग्लिश मीनिंग पीस ऑफ लैंड है। उसके बाद वर्ड है हमारे पास राइडिंग। राइडिंग का इंग्लिश मीनिंग है सिटिंग ऑन अ हॉर्स, सिटिंग ऑन अ हॉर्स। और राइडिंग जो है इसका उर्दू मीनिंग है घोड़सवारी, यानी घोड़े पे सवारी करना, घोड़े पे बैठ के। और इंग्लिश मीनिंग सिटिंग ऑन अ हॉर्स, सेम वही सिटिंग, बैठना ऑन अ हॉर्स, घोड़े पे। उसके बाद वर्ड है हमारे पास ट्रैक्टर। ट्रैक्टर बहुत से बच्चों ने, आपको पता भी होगा, आपने देखा भी होगा, बल्कि सब ने ही देखा हुआ है। ट्रैक्टर जो है उसका इंग्लिश मीनिंग है व्हीकल यूज ऑन फार्म, यानी व्हीकल कहते हैं गाड़ी को, यूज़ इस्तेमाल होती है ऑन फार्म, फार्म पर इस्तेमाल होती है, यानी फार्म पे। आपको मैंने बताया कि वो जगह होती है जहाँ पे खेत होते हैं, फसलें वगैरह लगाते हैं। तो ट्रैक्टर वो गाड़ी जो वहाँ पे फार्म पे यूज़ होती है, इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसके बाद वर्ड है वर्म्स। वर्म्स का इंग्लिश मीनिंग है इंसेक्ट्स, और वर्म्स होते हैं कीड़े मकोड़े, जैसे कैटरपिलर और कैटरपिलर के तरह के और भी छोटे छोटे से जो भी कीड़े होते हैं उन्हें कहते हैं वर्म्स कहते हैं, और उसका इंग्लिश मीनिंग है इंसेक्ट्स। उसके बाद ये आपके वर्ड्स मीनिंग है जो आपने याद कर लिए। उसके बाद है आपके डायरी की तरफ चलते हैं, आज की डायरी। डायरी देखें, टॉपिक नेम है हमारा एट द फार्म जो हमने पढ़ रहे हैं, उसके आपने करने हैं वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग्स। इनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना भी है और इनको ज़ुबानी याद भी करना है, ओके। ये आज का हमारा काम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़।